अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के चैप्टर जनरल जनरल में हम दोबारा ऑनलाइन मौजूद हैं पिछले लेक्चर में हमने कॉन्ट्रा अकाउंट्स का जिक्र किया था और हमने परचेजेस के कॉन्ट्रा अकाउंट्स डिस्कस किए थे हमने सेल्स के कॉन्ट्रा अकाउंट्स डिस्कस किए थे Purchase of merchandise के दो क्वांट्रो अकाउंट होते हैं नंबर वन परचेज रिटर्न एंड अलाउंस नंबर टू परचेज डिस्काउंट इसी तरह सेल्स के से रिलेटेड दो क्व अकाउंट होते हैं नंबर वन सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस नंबर टू सेल्स डिस्काउंट आज हम तीसरे क्व्रा अकाउंट को डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक कैपिटल से है और ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में थोड़ा सीख भी लिया था उस वक्त कैपिटल के कॉन्ट्रा अकाउंट्स को कहते हैं पर्सनल ड्राइंग पर्सनल ड्राइंग मेड बाय ओनर इज द कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ कैपिटल ठीक है जी यानी हम जितना बिजनेस में से ड्राइंग करेंगे पैसे विदड्रॉ करेंगे या कोई भी एसेट विद्रॉ करेंगे उतना ओनर का कैपिटल रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा कम होना शुरू हो जाएगा ये हमने चीज अकाउंटिंग इक्वेशन के टॉपिक में डिस्कस की थी ठीक है बेटा अच्छा आवाज आपको क्लियर आ रही है स्क्रीन पे सामने आपके क्वेश्चन मौजूद आपको नजर आ रहा है ओके तो आज हम डिस्कस करते हैं कैपिटल के कॉन्ट्रा अकाउंट जिसका हमने नाम रखा है ड्राइंग उसको एक एग्जांपल्स से हम करते हैं नंबर ट्वेंटी फोर पढ़िए द ओनर विद्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज और उसकी अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है उजेंड रुपीज एक हजार रुपया हमारे बिजनेस में से निकाल लिया गया ठीक है और हमने अकाउंटिंग होता है पैसा तो उसका ड्रॉइंग ठीक है और ड्रॉइंग की नेचर यह कॉन्ट्राक्ट कैपिटल है कैपिटल की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है जितना आप ड्रॉइंग करेंगे पर्सनल विदड्रॉ करेंगे पर्सनल ड्रॉइंग करेंगे उतना बिजनेस में मौजूद आपका कैपिटल कम होना शुरू हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रांजेक्शन पे अगर हम फोकस करें इस ट्रांजेक्शन पे अगर हम गौर करें तो इसमें एक ओनर अपने बिजनेस में से ड्राइंग कर रहा है कैपिटल उसका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कैपिटल डिक्रीज हो रहा है लेकिन कैपिटल के अपोजिट की जो चीज है ड्राइंग वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है हमारा असल जो मकसद है एनालिसिस का वो इंक्रीज और डिक्रीज के चैप्टर टॉपिक को क्लैरिफाई करना है कैपिटल तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन हम चूंकि यहाँ पे कैपिटल का टाइटल यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि जो ड्राइंग है उसको हम कैपिटल से हट के एक दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका नाम है ड्रॉइंग तो जितनी हम ड्रॉइंग करेंगे उतना हमारा ड्रॉइंग का अकाउंट क्या होगा इंक्रीज होगा ड्रॉइंग का अकाउंट इंक्रीज होना बाद में जाके कैपिटल को डिक्रीज करेगा लेकिन इनिशियली रिकॉर्ड करते वक्त हम उसको ड्रॉइंग के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे और एक ओनर अपने बिजनेस में से जितने ड्रॉइंग करेगा जितने पैसे निकालेगा उसकी ड्रॉ की हुई अमाउंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी सेकेंडली हमारे बिजनेस में से एक एसिड जिसका नाम कैश है उसको विड्रॉ कर लिया गया कैश हमारे बिजनेस में से निकल गया कैश अब निकल गया डिक्रीज हो गया अच्छा अब रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल तो होता है क्रेडिट लेकिन इंक्रीज अगर कॉन्ट्रा कैपिटल हो तो वो क्रेडिट के अपोजिट यानी डेबिट साइड पे चला जाएगा यानी कॉन्ट्रा अकाउंट्स जो होते हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन के अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं जिस तरह हमने परचेज रिटर्न अलाउंस में देखा था कि

साइड पर रिकॉर्ड किए जाएंगे इसी तरह कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो उसको जाता है, लेकिन कैपिटल तो ये है हमारा कंसर्न एनालिसिस का तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि इस ट्रांजेक्शन में हमें डेबिट करना है ड्रॉइंग को और क्रेडिट करना है कैश को तो टाइटल ऑफ अकाउंट ड्रॉइंग हम इस्तेमाल करेंगे डाइवर्ट करने के लिए अब हम देखते हैं जब इसको हम जर्नल जर्नल की एंट्री की शक्ल में प्रेजेंट करने जाएंगे तो क्या एंट्री बनेगी जी क्या एंट्री बनेगी ड्राइंग को हमने डेबिट की पोजीशन पे लाइन के साथ मिला के लिख दिया और उसके आगे डेबिट के कॉलम में वन थाउजेंड लिख दिया और कैश को हमने लाइन से इंडेंट करके थोड़ा गैप देके क्रेडिट साइड पे उसके अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी थी। ठीक हो गई बात तो ये थी हमारी ट्रांजेक्शन की एंट्री नीचे हमने में लिख दिया ऑफ कैश बाय ओनर ड्रॉइंग डेबिट कैश क्रेडिट यहाँ तक क्लियर बेटा कोई बात तो कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन तो आपके ध्यान में नहीं है ये आगे चलें जी, थोड़ा आगे चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं अगले ट्रांजेक्शन आपके सामने आ रही है जिसका नाम है नंबर ओनर विद्रू मर्चेंडाइज फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज अब पहले उसने कैश विदड्रॉ किया था अब वो मर्चेंडाइज विद्रॉ करने जा रहा है मर्चेंडाइज जब हमने खरीदी थी तो हमने उस वक्त उसको परचेजेस के नाम से परचेजेस के टाइटल ऑफ अकाउंट के साथ रिकॉर्ड किया होगा अब जब वो मर्चेंडाइज बिजनेस में से जा रही हैं तो उसका नाम परचेजेस के तौर पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा टाइटल ऑफ अकाउंट परचेजेस ही रहेगा और चूंकि ये मर्चेंडाइज पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ की गई हैं तो इसको हम ड्राइंग का टाइटल भी देंगे तो यहाँ पे इस पे फोकस कीजिएगा ये बहुत स्पेशल टाइप की ट्रांजेक्शन है जो आपके बहुत काम आएगी आगे न सिर्फ जनरल जनरल के अंदर बल्कि आगे जाके इंशाला जो सेक्शन सी होगा उसके अंदर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमारा ओनर बिजनेस में से मर्चेंडाइज विद्रॉ कर रहा है तो ये बात आपको मैंने कुछ देर पहले बताई कि हम बिजनेस में से बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से किसी भी तरह का एसेट विदड्रॉ कर सकता है किसी तरह की चीज विद्रॉ कर सकता है जब भी वो विड्रॉ करेगा तो उसका टाइटल ऑफ अकाउंट होगा ड्रॉइंग और ड्रॉइंग की नेचर अभी हमने डिस्कस की कि drawing हमारा कॉन्ट्रा कैपिटल है जितना कैपिटल इंक्रीज होगा उतना वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा लेकिन जितना कॉन्ट्रा कैपिटल इंक्रीज होगा उतना उसका हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे ये तो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कि उसने विड्रॉ क्या किया है मर्चेंडाइज हम उसको मर्चेंडाइज को परचेजेस के नाम से ही डिक्रीज करेंगे हमने जब मर्चेंडाइज खरीदी थी, थी तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था अब जब मर्चेंडाइज हमारे बिजनेस में से विड्रॉ कर ली गई निकाल ली गई तो वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं रहा मर्चेंडाइज खरीदी थी, थी तो एक्सपेंस बढ़ गया था मर्चेंडाइज वापस ले लिए हो गया डिक्रीज हो गया तो परचेजेस यानी कि मर्चेंडाइज की परचेजेस को हमने परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड किया होगा परचेजेस हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस यहां पे डिक्रीज हो रहा है जब मर्चेंडाइज परचेज करेंगे एक्सपेंस इंक्रीज होगा जब मर्चेंडाइज विड्रॉ करेंगे एक्सपेंस क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट तो यहां पर हमारी ट्रांजेक्शन क्या बनी ये ड्रॉ सॉरी एंट्री क्या बनी कि ड्राइंग को हमें डेबिट करना है परचेजेस को हमें क्रेडिट करना है हम जाएंगे जर्नल जर्नल के फॉर्मेट पे डेबिट की पोजीशन पे डेबिट की जगह पे हम लिख देंगे ड्राइंग और क्रेडिट की पोजीशन पे क्रेडिट की जगह पर हम लिख देंगे परचेजेस ड्राइंग के आगे डेबिट के कॉलम में 1200 लिख देंगे और परचेजेस के आगे क्रेडिट पे ₹1200 लिख देंगे ये तो हो गई हमारी जर्नल एंट्री फॉर मर्चेंडाइज़ जब भी मर्चेंडाइज विद्रॉ की जाएंगी बिजनेस में से हम ड्रॉइंग डेबिट करेंगे परचेजेस के अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे विद्रॉवल ऑफ कैश नहीं बल्कि विदड्रॉल ऑफ गुड्स या मर्चेंडाइज मर्चेंडाइज का एक और नाम गुड्स भी होता है जी बेटा यहाँ तक क्लियर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर अच्छा एक बात जहन में रखियेगा कि यहाँ पर आकर के मेरा एनालिसिस करवाने का जो मकसद था वो पूरा हो गया और ये बात आपको मैंने लेक्चर के शुरू में बताई थी कि एनालिसिस इन राइटिंग करना जरूरी नहीं है इन राइटिंग अभी हम इसलिए कर रहे हैं एनालिसिस ताकि हमें ट्रांजेक्शन को समझने में आसानी होगी बाद में जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम ये एनालिसिस वर्बली भी कर सकते हैं अपने दिमाग के अंदर भी कर सकते हैं इसको इनवाइटिंग पेपर पे लिख के करना जरूरी नहीं है मिसाल के तौर पे अगर मैं यूं कहूं एक छोटी सी ट्रांजैक्शन जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी पढ़ी थी अभी दोबारा जनरल जनरल के अंदर भी पढ़ी है कि अगर हम यूँ कहें एक ट्रांजेक्शन बड़ी सिंपल सी ट्रांजेक्शन है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश एक ट्रांजैक्शन में आपको कह रहा हूं कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश इसकी जनरल जर्नल के अंदर आप एंट्री बनाएं तो ये ट्रांजैक्शन सबसे पहले आप अपने दिमाग में उसको एनालाइज करें विदाउट राइटिंग एनीथिंग ऑन द पेपर ठीक है अपने दिमाग में इसको करें परचेज फर्नीचर फॉर कैश इसमें करें किस चीज का गिव एंड टेक हो रहा है कौन कौन सी दो चीजें इसमें इन्वॉल्व है नंबर वन फर्नीचर इन्वॉल्व है वो हम खरीद रहे हैं और दूसरी चीज जो इसमें इन्वॉल्व है वो कैश है कैश हम पे कर रहे हैं दो टाइटल ऑफ अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है एक फर्नीचर और दूसरा कैश अब हम एनालिसिस वर्बल कर रहे हैं जबानी तौर पे कर रहे हैं इन राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो हमने फर्नीचर परचेज किया फर्नीचर हमारा एसेट है हमने कैश पे कर दिया कैश भी हमारा एसेट है आप फर्नीचर हम खरीद रहे हैं वो चीज हमारे पास आ रही है वो इंक्रीज हो रही है तो जो एसेट इंक्रीज होता है उसके बारे में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहते हैं नीचर in हमारा asset है, हमने परचेज किया है हमारे पास वो इंक्रीज हुआ है तो जो एसेट इंक्रीज होता है हमें उसको डेबिट करना पड़ता है तो इस ट्रांजेक्शन में परचेज फर्नीचर फॉर कैश में हम डेबिट करेंगे फर्नीचर को और दूसरी तरफ हमने अपना कैश अपने सप्लायर को दे दिया कैश हमारा एसेट है हमारे पास से चला गया डिक्रीज हो गया इसका नतीजा क्या निकलेगा जो भी एसेट डिक्रीज होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट उसके बारे में हमें ये बताते हैं कि डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट तो कैश हमारा यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ क्रेडिट हुआ हमने पहले डिसाइड ये किया था कि फर्नीचर को डेबिट करना है और हम अब डिसाइड ये किया कि अब हम कैश को क्रेडिट करेंगे तो एक ट्रांजैक्शन छोटी सी मैंने आपको जबानी बताई परचेज मर्चेंड सॉरी परचेज फर्नीचर फॉर कैश तो फर्नीचर के अकाउंट को हमें डेबिट करना है कैश के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है आप ये एनालिसिस हम अपने दिमाग में करेंगे इसको पेपर पे ऑन राइटिंग नहीं करेंगे बात समझ में आ रही तो अब हम जो एक क्वेश्चन इंशाला स्टार्ट करें एग्जाम्पल नंबर वन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर हमें एनालिसिस नहीं करना ये जो क्वेश्चन मैंने आगे सॉल्व किया हुआ है ये मैंने विदाउट एनालिसिस डायरेक्टली इसका मैंने जनरल जनरल बनाया है इसको ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी इसका एनालिसिस हमने खुद किया और एनालिसिस करने के बाद हमने उसकी जनरल जनरल एंट्री बनाई बिस्मिल्ला करते हैं यूं समझ लीजिए है कि आप अकाउंटिंग जनरल जनरल के चैप्टर का समझ लेके पहला सवाल कर रहे हैं तो मिस्टर बिलाल अ प्रॉपर्टी डीलर प्रोवाइडेड डिटेल्स फॉर हिज बिजनेस मिस्टर बिलाल एक प्रॉपर्टी डीलर है प्रॉपर्टी डीलर उन्होंने अपने बिजनेस की डिटेल आपको प्रोवाइड की है सबसे पहले जनवरी वन स्टार्टेड बिजनेस विद द नेम ऑफ सिटी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अपनी दुकान का नाम क्या रखा उन्होंने सिटी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के नाम से दुकान खोली और कैसे इन्वेस्टिंग कैश रुपीज वन लैख रुपीज वन लैख एंड फर्नीचर रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड अब आप देखें यहाँ पे दो तरह के एसेट्स के साथ उस ओनर ने बिजनेस को शुरू किया उस ओनर ने दो तरह के एसेट्स अपने बिजनेस में लगाए नंबर वन क्या लगाया कैश इन्वेस्ट किया वन हंड्रेड थाउजेंड वन लाख रुपीज का और दूसरी चीज वो लेकर आया फर्नीचर लेकर आया ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का तो यहां पर हम एक कंपाउंड एंट्री बनाएंगे कंपाउंड एंट्री का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था कोई भी ऐसी एंट्री जिसमें दो से ज्यादा टाइटल ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व हो तीन टाइटल्स हो चार टाइटल्स हो पांच या छह टाइटल्स हो ऐसी एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं चाहे दो डेबिट ड्राव, हो एक क्रेडिट हो चाहे एक डेबिट हो दो क्रेडिट हो दोनों सूरतों में ये कंपाउंड एंट्री कहलाती है तो यहां पर हमें analysis करना है वर्बली राइटिंग के बगैर क्या कर रहे हैं साहब ओनर जो हैं वो साहब इन्वेस्ट कर रहे हैं दो एसेट एक कैश लगा रहे हैं एक लाख रुपए का फर्नीचर लगा रहे हैं बीस हजार रुपए का इसका मतलब ये हुआ कि कैश हमारा एसेट है हमारे बिजनेस को मिल रहा है हमारे पास आ रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो रही है इन्वेस्ट तो in तो साथ साथ किया जिसका नाम है फर्नीचर फर्नीचर भी हमारा एसेट है फर्नीचर भी इन्वेस्ट किया जा रहा है फर्नीचर भी हमारे बिजनेस को दिया जा रहा है और जो चीज हमारे बिजनेस के अंदर आ रही है इन्वेस्ट की जा रही है उस एसेट की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो यहां हमें दो एसेट्स मिले एक का नाम है कैश दूसरे का नाम है फर्नीचर कैश भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है फर्नीचर भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो दोनों एसेट जब इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों को हमें डेबिट करना है इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन एसेट्स इज रिक्वॉर बाय डेबिट तो हमें फर्नीचर को भी डेबिट करना है हमें कैश को भी डेबिट करना है तीसरा जो टाइटल ऑफ अकाउंट है इसका रिसोर्स देखना पड़ेगा चीजें आई से? इसका सोर्स क्या है कैश और ये फर्नीचर आए कहां से हमारे पास तो ये हमें हमारे ओनर ने दिए हैं बिजनेस के ओनर ने दिए हैं। और बिजनेस का ओनर जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम कहते हैं कैपिटल तो हम यू कहेंगे कि भाई बिलाल साहब ने अपनी दुकान में एक लाख रुपए का कैश लगाया और ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का फर्नीचर तो उन्होंने टोटल एक लाख बीस हजार रुपए से अपना कारोबार शुरू किया तो उनका कैपिटल का जो अमाउंट होगा वो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज होगा तो अगर इसको मैं जनरल जनरल के फॉर्म में लेके जाऊं आपको नीचे स्क्रीन पे एंट्री नजर आ रही होगी क्या लिखा हुआ है कि हम गए सबसे पहले डेबिट के साइड पे डिसाइड हमने ये किया था वर्बली कि हमें दोनों को करना है कैश को भी डेबिट करना है फर्नीचर को भी डेबिट करना है इन दोनों को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है तो हम सबसे पहले जनरल जनरल के ऊपर याद रखिएगा बिजनेस का नाम लिखते हैं उसके बाद जनरल जनरल का नाम लिखते हैं फिर उसके बाद जो टाइटल डेबिट हुए कैश को डेबिट की पोजीशन पे लिखा फर्नीचर को भी डेबिट की पोजीशन पे लाइन से मिला के लिखा और कैपिटल को क्रेडिट की पोजीशन पे यानी लाइन से थोड़ा सा एंडेंट करके गैप देके लिख दिया कैश में लिख दिया वन हंड्रेड थाउजेंड एक लाख रुपया फर्नीचर में लिख दिया ट्वेंटी थाउजेंड बीस हजार रुपया और कैपिटल ये सारे एसेट्स ओनर की तरफ से आए हैं ओनर का हिस्सा अपने कारोबार में कितना बन गया वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का बन गया तो हमने कैपिटल में वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज क्रेडिट साइड पर लिख दिए कैश में डेबिट पे लिखा वन लैख फर्नीचर में डेबिट पे लिखा ट्वेंटी थाउजेंड और कैपिटल में क्रेडिट साइड पे लिख दिए वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ये बात आपको मैंने जर्नल जर्नल सिखाते वक्त बताई थी कि किसी भी एंट्री के डेबिट और क्रेडिट का टोटल अमाउंट बराबर होता है तो अगर आप डेबिट इस एंट्री के अंदर डेबिट पे गौर करेंगे डेबिट साइड पे वन लैख प्लस ट्वेंटी थाउजेंड डेबिट साइड पे मौजूद है वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और उतनी ही अमाउंट क्रेडिट साइड पर भी मौजूद है तो इस बात का ख्याल रखिए हर एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट की जो टोटल अमाउंट्स होंगी वो आपस में बराबर होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके एंट्री के अंदर गड़बड़ है गलती मौजूद हो सकती है यहां तक बात समझ में आ रही है कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा अच्छा आगे चलते हैं फिर हमने डिस्कस किया था जनरल जनरल सीखते वक्त उससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन भी सीखते वक्त कैश की हैसियत बिजनेस में लाइफ ब्लड की तरह होती है जैसे इंसानी जिसम में खून है वैसे ही बिजनेस के अंदर कैश है इंसान के जिसम में खून गर्दिश कर रहा है इंसान जिंदा है बिजनेस के अंदर कैश सर्कुलेट हो रहा है तो बिजनेस ऑपरेट करता रहेगा अब ओनर ने यहाँ पे एक लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो यू समझ लीजिए एक लाख रुपए का कैश अब हम उसको बिजनेस में मुख्तलि एक्टिविटीज पे इस्तेमाल करेंगे इसी कैश में से हम कुछ और मजीद एसेट्स भी परचेज कर सकते हैं इसी कैश में से हम अपने बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस को भी पे कर सकते हैं इसी कैश में से हमारे बिजनेस के ऊपर अगर कुछ लाइब्रिटीज जनरेट होती हैं बाद में जाके वो भी पे कर सकते हैं इसी कैश में से अगर ओनर को जरूरत पड़ सकती है तो वो भी विड्रॉ कर सकता है तो यही कैश आगे बिजनेस में सर्कुलेट करता रहेगा और अगर कुछ कैश बच जाए तो उसको हम बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हैं तो कैश में ये कैश एक लाख रुपया बिजनेस में सर्कुलेट करेगा आगे चलिए पर जनवरी वन को एक और ट्रांजेक्शन जरूरी नहीं कि एक दिन में एक ट्रांजेक्शन हो एक दिन में सौ ट्रांजेक्शन भी हो सकती है डजेंट मैटर तो जनवरी वन को एक और ट्रांजेक्शन हमारे सामने क्वेश्चन में हो रही है परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश ट्वेंटी फाइव थाउजेंड परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हमने पच्चीस हजार रुपए का कैश उठाया दुकान वाले को दिया और उससे हमने इक्विपमेंट खरीद लिया इक्विपमेंट से मुराद कोई कंप्यूटर टाइपराइटर प्रिंटर स्कैनर सीसीटीवी कैमरा मोबाइल फोन टेलीफेक्स वगैरह किसी भी चीज की डिवाइस हमने परचेज कर ली तो अब हम एंट्री क्या बनाएंगे एनालाइज करें इस ट्रांजेक्शन को वर्बली हमने इक्विपमेंट परचेज किया परचेज इक्विपमेंट हमारा एसेट है और ये एसेट हमने कैश पे परचेज किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कैश हमारे पास से डिक्रीज हो गया इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है इक्विपमेंट तो परचेज किया इक्विपमेंट हमारा एसेट है हमारे पास आ रहा है इंक्रीज हो रहा है इक्विपमेंट को डेबिट करना चाहिए कैश हमारा एसेट है हमारे पास से जा रहा है डिक्रीज हो रहा है तो उसको हमें क्रेडिट करना चाहिए तो हमने डिसाइड कर लिया कि डेबिट हमने क्या करना है इक्विपमेंट क्रेडिट हमें क्या करना है कैश तो हम एंट्री के अंदर गए हमने इक्विपमेंट या ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया और हमने कैश को क्रेडिट कर दिया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज के साथ अब मुझे बताइए ये एंट्री आपकी समझ में आ रही है कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें जी क्वेश्चन अच्छा जी अब हम चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन की तरफ ट्रांजेक्शन नंबर थ्री यानी कि जनवरी फाइव को जो ट्रांजेक्शन हुई प्रोवाइडेड सर्विसेज टू तो ए कस्टमर एंड रिसीव कैश फ्रॉम हिम अब यहां पे देखें इस दुकान का काम क्या था हमने डिस्कस किया था ये इस दुकान का नाम था प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जी अब यहां पे प्रोवाइडेड सर्विसेज टू कस्टमर हमने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की और हमें वहां से क्या मिला कैश मिला देखें किसी भी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस के लिए ऐसा इदारा जो खदमात फराहम करता है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो है जायदाद के लेन देन में खिदमात फराहम करने वाला ये ना कुछ बेचता है ना कुछ खरीदता है जायदाद ये खुद नहीं खरीदता खुद नहीं बेचता बल्कि खरीदने और बेचने वाले को आपस में मिलवाता है तो ये इसकी खिदमात है ये इसकी है इस सर्विसेज के बदले वो क्या कर रहा होता है इनसे पैसे ले रहा होता है ठीक है कैश को हम डेबिट कर लेंगे कितने पैसे हमें मिले टेन थाउजेंड बात समझ हमारे बिजनेस को कैश मिल रहा है कस्टमर की तरफ से कैश हमारे पास इंक्रीज हो रहा है उसको हम डेबिट कर लेंगे और दूसरी चीज हमें कस्टमर ने ये जो पैसे दिए हैं ये हमारी रेवेन्यू है हमारा ये हमारी इनकम है जितनी हम कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उतना हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा ठीक है जितना हम कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें चाहे हम उनको कैश पे, पे सर्विसेज दें चाहे हम उनको क्रेडिट पे सर्विसेज दें जितनी हम सर्विसेज देंगे उतना हमारा रेवेन्यू इंक्रीज करेगा अब रेवेन्यू के बारे में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए जब भी आपके बिजनेस में रेवेन्यू इंक्रीज होगा इंक्रीज इन रेवेन्यू रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट तो यहां पर एनालिसिस को जरा गौर से कीजिएगा ध्यान से कीजिएगा हमें हमारे बिजनेस में कैश मिल रहा है कैश हमारे पास इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज इन कैश इज रिकॉर्डेड बाय इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट दूसरी बात कि हमारा रेवेन्यू का कमाई का जरिया है हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट तो यहाँ पे हमें कैश मिला कैश को हमें डेबिट करना है और ये पैसे हमने कमा लिए क्वेश्चन में उसने उसका टाइटल ऑफ अकाउंट भी बता दिया पैसे हमने कमा लिए इस कमाई का नाम क्या है सोर्स ऑफ रेवेन्यू का नाम क्या है कमीशन इनकम कमीशन इनकम हमारा रेवेन्यू है तो हमने जितना रेवेन्यू जनरेट किया उतना हमारा रेवेन्यू बढ़ा और रेवेन्यू हमारा क्रेडिट साइड पे जाएगा तो हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है उसको हम डेबिट करेंगे कमीशन इनकम भी इंक्रीज हो रहा है उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पर हमारी जन जनल में एंट्री क्या बनेगी कैश को हमें डेबिट करना है और कमीशन इनकम को हमें क्रेडिट करना है तो हम गए एंट्री में जन जनल में हमने कैश को डेबिट किया और हमने कमीशन इनकम को क्रेडिट साइड पे लिख करके आगे उसकी अमाउंट लिख दी जी बेटा यहाँ तक क्लियर है कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अच्छा जी आगे चलते हैं एक और ट्रांजेक्शन जनवरी 15 के ट्रांजेक्शन है प्रोवाइडेड सर्विसेज टू तो अनदर कस्टमर ऑन क्रेडिट हमने एक और कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की लेकिन इस दफा जो हमने सर्विसेज दी हैं उसके बदले कस्टमर ने हमें पैसे कैश नहीं दिया बल्कि वो सर्विसेज हम हमने उसको उधार पे दी हैं यानी वो पैसे हम उससे बाद में लेंगे ऐसे पैसे जो हमें कस्टमर से रिसीव करने हो उनको हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल ठीक है उधार पे जब आप कोई चीज बेचें, प्रोडक्ट बेचें, मर्चेंडाइज बेचें, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करें कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करें तो अकाउंट रिसीवेबल का टाइटल ऑफ अकाउंट जनरेट होगा दूसरी बात चूंकि हमने अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हमारा काम खत्म हो गया हमारा पार्ट प्ले हो गया तो हमारा रेवेन्यू भी बन गया यानी कि हमें दो चीजों को यहाँ पे कंसिडर करना इस ट्रांजेक्शन में पहली चीज क्या निकल रही है एक तो रिसीवेबल निकल रहा है और दूसरी चीज क्या है सर्विस इनकम है जिस तरह कैश हमारा एसेट था कैश इंक्रीज हो रहा था पिछली ट्रांजैक्शन में इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट है ये भी इंक्रीज होगा जितनी आप कस्टमर को उधार पे सर्विसेज देंगे उतना आपका अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज होगा और साथ ही साथ चूंकि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं तो आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा तो एसेट अकाउंट रिसीवेबल है इंक्रीज हो रहा है उसको debit करना है उसको डेबिट करना कमीशन इनकम हमारा रेवेन्यू है ये भी इंक्रीज कर रहा है उसको हमें क्रेडिट करना है तो क्या एंट्री बनी अगर आपको देखें जनरल जनरल में अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट साइड पे आ रहा है और कमीशन इनकम क्रेडिट साइड पे जी बेटा क्लियर है कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव कैश एट थाउजेंड फ्रॉम द कस्टमर होम टू होम सर्विसेज वर प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट जिस कस्टमर को हमने सर्विसेज प्रोवाइड की थी कुछ अरसे बाद जाके उसने हमें पैसे दे दिए कैश हमें मिल गया किस चीज के बदले कैश मिला हमें ये कैश उन पैसों के बदले मिला जो हमने उसको उधार पे सर्विसेज प्रोवाइड की थी यानी इस पे दो एसेट्स इन्वॉल्व है नंबर नंबर कैश कैश और टू, उधार पुराना वाला अकाउंट्स रिसीवेबल के बदले हमें, कैश कैश हमें मिल रहा है इसमें जो दो टाइटल ऑफ अकाउंट है 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 वो कैश कैश हमारा एसेट हमें मिल रहा है हमारे पास इंक्रीज हो रहा है और जो एसेट इंक्रीज होगा उसको हम डेबिट करेंगे और हमने जो कस्टमर से पैसे लेने थे अकाउंट रिसीवेबल वो पैसे अब हमें मिल गए चाहे पूरे मिले चाहे थोड़े से मिले बाकी बाद में मिलेंगे जितना भी अकाउंट रिसीवेबल आपको कलेक्ट हो रहा है तो उसके बदले जो लेने वाले पैसे आपके थे कस्टमर की तरफ वो डिक्रीज होना शुरू हो गए तब आपने करना क्या है कैश हमारा एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट करना है और अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है उसको हमें क्रेडिट करना है तो हम जनरल जनल में गए हमने कैश को लिखा डेबिट की पोजीशन पे हमने अकाउंट रिसीवेबल को लिखा क्रेडिट की पोजीशन पे कैश के आगे डेबिट पे आठ हजार और अकाउंट के आगे क्रेडिट पे आठ हजार नरेशन आप आराम से देख सकते हैं इसमें प्रोवाइड है, मतलब है, करना एक कस्टमर आया उसने हमें एडवांस में पैसे दे दिए अब इस ट्रांजेक्शन में देखें दो चीजें एक तो हमें कैश मिला दूसरा ये पैसे हमें एडवांस में मिले ये भी हमने अर्न नहीं किए तो जो पैसे हमने अर्न नहीं किए वो हमारे लिए होते हैं अन अर्न इनकम हमारे ऊपर लाइबिलिटी है कि इन पैसों के बदले हम बाद में जाके कस्टमर को सर्विसेस प्रोवाइड करेंगे तो इस ट्रांजेक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व है नंबर वन कैश हमारा एसेट है इंक्रीज हो रहा है और नंबर टू लाइबिलिटी इनकम हमारी लाइबिलिटी है लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है जितना आप उधार लेंगे उतना आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी और जब बढ़ेगी, तो वो क्रेडिट तो यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व है नंबर वन हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है उसको हमने डेबिट कर लिया और नंबर टू हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है जिसको हमने क्रेडिट कर लिया एनी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन है इसमें जी बेटा यहां पर हमारा आज का पहला सवाल कंप्लीट हुआ जिसके अंदर हमने जन जर्न जन सीखा विदाउट एनालिसिस कल इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इंशाल्लाह हम मजीद ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम विदाउट एनालिसिस जन जनल को बनाएंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में भी खत्म करता हूँ अगली क्लास में इंशाल्लाह हम मजीदे काम करेंगे खुदा